हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक फॉर सरोज त्रिवेदी। तो आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट चीज़ क्रीम केक। 500 ग्राम का केक है। प्रीमिक्स हम ऑलरेडी अपनी चैनल पे शेयर कर चुके हैं, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये है रेड वेलवेट का, तो दूध से मैं बनाऊँगी। और प्रीहीट ओवन में मैंने बैटर को बेक होने रख दिया था 25 से 30 मिनट तक। उससे पहले ना ही उठाए, नहीं तो गड्ढा हो जाएगा, जो मेरा हो गया है। केक में गड्ढा पड़ जाता है क्योंकि एयर भरती है और हम बीच में उठा लेते हैं तो केक बीच में से बैठ जाता है। मैंने केक को बेक करके ठंडा कर लिया था फ्रिज में। 3 लेयर कट कर ली है। केक बोर्ड पे मैंने व्हिप क्रीम पहले लगा दी है क्योंकि केक फिसलेगा नहीं। केक बेस को ले लिया है और चीनी पानी से सोक कर लिया है। उसके ऊपर हम व्हिप क्रीम लगाएंगे, पर ये व्हिप क्रीम सादी नहीं है, चीज़ वाली है। चीज़ क्रीम मैंने डाल दी है, चीज़ क्रीम डालनी है इसके अंदर और व्हिप क्रीम के अंदर, और अच्छे से मिक्स कर देनी है। वही हमें क्रीम यूज़ करनी है। उसके क्रीम के ऊपर हम डालेंगे वाइट चॉकलेट कंपाउंड, ग्रेट करके ले लिया है। और उसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर ले ली है, उसे चीनी पानी से सोक कर लिया है और व्हिप क्रीम स्प्रेड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे केक ज़्यादा मीठा ना हो, इसलिए हम लेस क्रीम यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वाइट चॉकलेट भी आएगी तो उसे बैलेंस हो जाएगा। और रेड वेलवेट के चीज़ क्रीम में वाइट चॉकलेट का टेस्ट और भी बढ़ा देती है। तो यहाँ पे तीसरी लेयर ले ली है। तीसरी लेयर को भी हमें चीनी पानी से सोक करना है और उसे क्रोम कोटिंग करनी है व्हिप क्रीम से ही। तो चीज़ वाली व्हिप क्रीम ही लेनी है क्रोम कोटिंग में, और क्रोम कोटिंग के बाद हम ओनली व्हिप क्रीम लेंगे, चीज़ वाली व्हिप क्रीम नहीं लेनी है। तो यहाँ पे ये हो रहा है क्रोम कोटिंग, और ठंडा होने के बाद मैंने आइसिंग कर ली थी और इसे मैं स्प्रे कर रही हूँ रेड जेल कलर से। तो रेड जेल कलर मैंने पंप में भर लिया था, ओनली 1 ड्रॉप, और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था। तो थोड़ा हल्का सा ही मैंने लिया था, क्या ज़्यादा नहीं लिया था, और उसे मैं स्प्रे कर लिया। तो स्प्रे अच्छे से स्प्रे हो गए। उसके बाद स्केपर में घुमा लूँगी और उसे उसके ऊपर हम न्यूट्रल जेल स्प्रेड करेंगे। तो न्यूट्रल जेल का अच्छे से शाइनिंग आ रहा है, इसीलिए हमने ये स्प्रे कलर किया है। न्यूट्रल जेल ओनली 2 टेबलस्पून लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है क्योंकि ये रनिंग में हो जाए, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है टेस्ट में, ये तो मीठा होता है। उसमें मैंने रेड जेल कलर डाला है। तो फ्रेंड्स, रेड जेल कलर से शाइनिंग भी आ जाएगी, और अच्छे से उसे स्प्रेड कर लेना है इस सारी केक के ऊपर, और तो उससे शाइनिंग आ जाएगी और हमारा केक अच्छे से न्यूट्रल जेल से लॉक हो जाएगा। तो केक हमारा फटने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। कभी कभार केक की क्रीम ड्राई हो जाती है तो केक में हमारे क्रैक दिखते हैं, न्यूट्रल जेल्स वो कवर कर लेगा। और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर हम कर लेंगे फ्लावर। तो फ्लावर हम नोजल से जलेबी की तरह गोल घुमा के बीच में छोड़ देंगे। तो 4 फ्लावर मैं बना लूँगी। उसके ऊपर हम कर लेंगे सिल्वर स्प्रे, नीचे बॉर्डर में पल वाला कर लूँगी और सिल्वर स्प्रे करके ऊपर मैं ग्लिटर ले लूँगी गोल्डन वाला, और हल्का सा पिंच हमें स्प्रिंकल कर लेना है जिससे शाइनिंग फ्लावर पे आ जाएगी। और इसके फ्लावर के ऊपर आप चेरी रख सकते हैं या फिर न्यूट्रल जेल से ही ड्रॉप कर लेंगे। ये दूसरा वाला बेस मैंने रेडी किया, देखो कितना ब्राइट कलर है। आई होप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।